श्रावण मास की समाप्ति पर संगमेश्वर महादेव मंदिर अरुणाय में विशाल भंडारा लगाया गया। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी कनखल हरिद्वार के सचिव एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंदरपुरी व महंत विश्वनाथ गिरी के सानिध्य में हुए भंडारे में सैकड़ों साधु महात्माओं ने हिस्सा लिया। महंत रविंदरपुरी ने कहा कि 72 साल के बाद ग्रह नक्षत्रों का योग इस बार श्रावण मास में बना है। इस महीने में राजयोग, गजकेसरी, नवपंचम, कुबेर, शश, बुद्धादित्य व शुक्रादित्य योग भी बने रहे। रविवार को स्वार्थ सिद्धि योग पर पूर्णिमा के दिन ये मास संपन्न हुआ। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर भी इस बार खास संयोग है। महंत विश्वनाथ गिरी ने बताया कि श्रावण मास के दौरान मंदिर में पूरा माह विभिन्न प्रकार की धार्मिक गतिविधियां जारी रही। श्रावण में लाखों श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए। महंत विश्वनाथ गिरी ने कहा कि जगतगुरु भगवान सदाशिव दक्षिणामूर्ति महेश्वर हैं। उनकी पूजा संपूर्ण श्रावण मास चलती है। शिव अर्चन और रुद्राभिषेक करने से धन धान्य ऐश्वर्य मानसिक व शारीरिक रोगों से मुक्ति और विभिन्न मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। उन्होंने बताया कि श्रावण मास में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा पार्थिव शिवलिंग पूजन कराया गया, जिन्हें पूजा के बाद तीर्थ के जल में विसर्जित किया गया। सेवा दल प्रबंधक भूषण गौतम ने सदस्यों और श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सभी के सहयोग से श्रावण मास शांतिपूर्वक एवं श्रद्धामयी ढंग से संपन्न हुआ। का अति प्रिय महीना है श्रावण, और चतुर्मास जब प्रारंभ होता है देव सैनी एकादशी से, तब से लेकर के पूरे 4 महीने संपूर्ण ब्रह्मांड का शासन भगवान शिव के द्वारा चलाया जाता है। और संगमेश्वर महादेव अपने आप में एक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ जहाँ पांडवों ने भी तपस्या किया, अरुणा, वरुणा, सरस्वती आदि अनेकों नदियों का संगम स्थल है। संगमेश्वर महादेव अपने आप में एक ऐसी सिद्ध पीठ है। ये कुरुक्षेत्र हमारे डिस्ट्रिक्ट में पेवा स्थान के पास में पड़ता है, जहाँ समस्त उत्तर भारत के लोग जल चढ़ाने आते हैं। तो जो लोग वर्ष भर में पूजा नहीं कर पाते, श्रावण मास में एक दिन भी अगर आकर के भगवान का अभिषेक करते हैं, तो संपूर्ण श्रावण का फल प्राप्त होता है। और जो लोग श्रावण में पूजा मात्र एक दिन सोमवार को भी अगर कर लेते हैं, तो संपूर्ण श्रावण का फल प्राप्त होता है। आज उसका समापन हुआ है, और ये हमारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की प्राचीन परंपरा रही है कि जितने भी भक्त लोग यहाँ श्रावण मास में अनुष्ठान करवाते हैं, महामृत्युंजय का जप होता है, हवन होता है, उसके समापन पर साधु संतों का और भक्तों का एक सामूहिक रूप से भंडारे का आयोजन होता है। श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के पंच परमेश्वर के श्री महेंद्रगण, हमारे प्रयागराज के सचिवगण, सभी अखाड़े के वरिष्ठ पदाधिकारी, सरदर्शन साधु समाज के सभी संतों को, समस्त भक्तों के सहयोग से बहुत भव्य और दिव्य भगवान शिव का भंडारा हुआ। पहले हवन हुआ, हवन में पूर्णावति के बाद में अन्नछत्र, और ये आज का समापन बहुत ही सुंदर रहा। आने वाला जो वर्ष है जनता के लिए सुखद हो, इसी कामनाओं के साथ हम सब लोगों ने प्रार्थना किया। मीडिया के माध्यम से हरियाणा की समस्त जनता और भारत के समस्त शिव भक्तों को मैं भगवान श्री संगमेश्वर की ओर से, भगवान श्री कपिल महामुनि जी, श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई।